आपको लगे कि आपको कोई सवाल करना है हमसे या किसी चीज के बारे में पूछना है जो आपको समझ नहीं आया हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और नाटक शुरू कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। बताओ आगे बात बोलो।
कठिन क्वेश्चन है, काफी सारी परीक्षाओं में आता है, इसका आसानी से जवाब हम नहीं दे सकते। उसको इससे पूछो। धरती में स्वाद अनुसार नमक की जगह स्वाद अनुसार धूल डाली जा रही है। ये धरती सबकी माता है, इनको बहुत कुछ आता है। अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सर मुझे पता ही नहीं था ये सब इतने अनहाइजीनिक और गंदे कंडीशन में बनते हैं। क्या आपको पता नहीं था मैडम जी, जरा एक बार बताएंगे? आपको अपनी खपड़ी के ऊपर लगे हुए जाले नहीं दिख रहे? मेरे पूरे दान पे भिनभिनाती मक्खियां नहीं दिख रही? खुद की थाली में पूरे छोले के साथ तैरता हुआ पता नहीं कितनी बार यूज किया हुआ तेल नहीं दिख रहा? अगर दिख रहा है तो इनसे कंप्लेन कौन करेगा? हाँ तुमसे नहीं, महात्मा गांधी जी से जो मर चुके तो करेंगे कंप्लेन। हम लोगों को दिखता सब कुछ बराबर है, बस हमें फर्क नहीं पड़ता है। उठाते कहीं से भी गंदा संदा निकलना है बस, और ये सब देखने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको लगता है तुमको बीमार पड़ोगे ही नहीं। तो एक काम करो, इन सबको उठाओ और सबको एक काम करो, लाइन में लगाओ, सामने कैमरे देखो, सामने कैमरे से देखो, जी बाहर निकालो और बोलो ये मजाक था। YouTube जानते हैं सब लोग, उसमें हमको चाहिए लाइक, तो हमने सोचा एक प्रैंक खेलने। अब हमको पता है हम गंजे होने वाले तो हम भागेंगे, अब तुम लोग हमें देखोगे भागो। ऑफिस जाना है, चेहरा खिलू काम पे पहुंच। हम इंसान सुबह जल्दी जल्दी हमें काम पर जाना पड़ता है, बिस्तर से नीचे उतरने में अगर एक्सक्लेमेशन तो हेवी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क नाश्ता तो नहीं हुआ तो लंच, लंच की बारी आई, रेडी पर कहीं से भी कुछ उठाया खलिया खाएंगे। पहले प्रेशर है मेरे बहुत।
कभी नहीं होते थे। पीरियड्स हो रहे हैं। गर्ल गो
हमारे शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से एक है। उन्हें स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। ये जो हमारा चेहरा सिर्फ दिखता है, इसी को ढूंढ के चले जाओ, जहाँ काम करना है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा नहीं है हमारे शरीर के मामले में, क्या समझे? हाइजीन यानी स्वच्छता, बता के तुम्हारे लिए, अभी भी किसी का ट्रिमर यूज कर लिया दाढ़ी बनाने के लिए? यार नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने गए, एक बार चेक तक नहीं किया, भैया मसाज दे देना इसके बाद। कोई भेड़ बदली भी किया नहीं, दूसरे भी तुम्हारे लगा दी। चलो 15 अगस्त का दिन है, पतंगबाजी कर लो, आ जाओ। हाथ कट गया लेकिन हाथ नहीं बढ़ता, पेज नहीं रुकना चाहिए। काय बच्चे हैं, भेड़ बदले के घूम रहे, कोई इंफेक्शन हो गया, कुछ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पड़ता है फिर। चलो शादी में भारत के टाइम में आ जाओ, सब लोग आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी, गाड़ी तैयार है। रेडी पे गए, सेब केला अंगूर संतरा ले गए, अंगूर खाया उछाला मुंह में डाल लिया, क्या दिक्कत है? जी में तो पैसे ले रहा उससे तो दिक्कत है नहीं है, लेकिन उससे कोई नहीं, कोई अगर इंफेक्शन हो जाएगा कुछ हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बोलो। क्या एक सवाल अक्सर सुनने को मिलता है कि भैया हम ये सारी चीजें करते हैं, हम पतंग उड़ाते हैं, हाथ कट जाता है, फर्क नहीं पड़ता, हम दूसरे का सब कुछ यूज करते हैं, बिल्कुल अनहाइजीनिक या बिल्कुल स्वच्छता मेंटेन करते ही नहीं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो भैया यार हम तुझसे यही कहेंगे, तुम्हारे शरीर की कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता मेरे शरीर की क्षमता से ज्यादा है, इसलिए तुम बीमार नहीं, लेकिन तुम आके मिलते हो हमसे, तुम्हारी शरीर के कीटाणु आते हमारे शरीर पे और हम हो जाते बीमार, रोज बार बार मन लगातार यहाँ के नाटक करने आते, हमारा मन नहीं लगता, बताओ क्या जी, बताओगे कुछ? चलो छोड़ो वो भी, तुमको क्या लगता है कब तक तुम्हारे शरीर की क्षमता ऐसी रहेगी कि वो कीटाणुओं से लड़ पाएगी? वो दिल्ली में हमने मुंह पे मास्क रख के घूमना शुरू कर दिया, सही बोलो कि नहीं? कब तक लड़ लेगी तुम्हारे शरीर की क्षमता उन कीटाणुओं से, बताया जाए कोई? पर यार हमारा ये एटीट्यूड जो होगा देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा, भैया जब होगा ना तब तुमसे देखा नहीं जाएगा, सोच लेना थोड़ा इस बारे में।